फार्मर मेकअप बफलो। मुंबई गोवा हाईवे के साथ लगकर पार्वतीपुर नाम का एक गांव था। उस हाईवे पर गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से जाती थी। कई बार तेज गति के कारण संतुलन बिगड़कर गाड़ियां उलट जाती थी। इतना ही नहीं, रात को सड़क पार कर रहे गाय भैंसों से टकराते तो वे उछलकर दूर जाकर गिरते और कभी कभी मर भी जाते थे। ये देखकर उनके मालिक बहुत दुखी होते थे। उस गांव में कुंदन लाल नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। वो लोगों के साथ बहस करके उन्हें गाली देते हुए और उनसे गाली सुनते हुए वक्त गुजारता रहता था। वो हर रोज रात को 9 से 12 फिल्म देखने जाता था। हमेशा एक कैप पहनकर रहता था। फिल्म देखने के बाद ऑटो या कैब पकड़कर घर पहुंचता था। उसी गांव में नानक राम नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो अपने भैंसों को सवेरे सड़क पार करके ले जाता था और फिर शाम को वापस घर लौट कर आता था। एक दिन लौटने में देरी हो गई और अंधेरा हो गया। उस वक्त सड़क पार कर रहे उसके भैंसों में से एक को एक ट्रक ने जाकर टक्कर मारा और वो चला गया। वो भैंस बेचारी उछल कर गिरी और मर गई। बाद में नानक राम उसे देखकर रोते हुए, हाय रे हाय भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरी प्यारी भैंस का बस समय पूरा हो गया है क्या? हे भगवान, मेरे दो भैंसों में से एक को तुमने मुझसे छीन लिया। कहकर फूट फूट कर रोने लगा तो लोग आकर उसको धीरज बांधने लगे। ये खबर सुनकर उसका बेटा विवेक शहर से गांव लौटा। पिताजी उस दुर्घटना के बारे में उसे बताते हुए दुखी हो रहे थे। चिंता ना करें बापू, दुखी होने से जो भैंस मर गई है वो तो वापस आएगी नहीं। कल सवेरे सबको बुलाइए, एक मीटिंग का प्रबंध कीजिए, मैं आप सबको एक सलाह देना चाहता हूँ। यूं अगले दिन गांव वाले एक जगह जमा हुए। प्यारे गांव वालों, कल जो दुर्घटना घटी वैसे दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप वैसा करेंगे तो अपने डंगरों को हम बचा सकते हैं। अब से अपने भैंसों को और अन्य जानवरों को रेडियम स्टिकर्स चिपकाते हैं। रेडियम पर रोशनी पड़ते ही वो चमकता है। यूं सड़क पार कर रहे जानवरों पर जब तेजी से आ रहे गाड़ी की रोशनी पड़ेगी तो उनके सींगों पर और अन्य जगह चिपके रेडियम स्टिकर्स चमकेंगे। इससे वाहन चालक चौकन्ना हो जाएगा और ब्रेक लगाएगा। ये सुझाव गांव वालों को अच्छा लगा और वे खुश होकर ताली बजाने लगे। ये देखकर कुंदन लाल के बदन में आग लग गई। यूं सबने अपने अपने भैंसों के सींगों पर रेडियम स्टिकर्स चिपकाए, गले में रेडियम स्टिकर का बेल्ट भी बांधा। कुछ लोगों ने उनके पांव में और भी कई जगह रेडियम स्टिकर्स चिपकाने लगे। यूं जब वे रात को सड़क पार कर रहे होते तो वाहन चालक चौकन्ने होकर ब्रेक लगाते और रुक जाते थे। यूं बहुत से जानवरों के जान बच गए। एक दिन गांव वाले विवेक को हार पहनाकर का सम्मान कर रहे थे। अरे बंद करो ये नाटक, तुम लोग तो इसकी तारीफ ऐसे कर रहे हो जैसे मानो इसने रॉकेट की आविष्कार किया हो। उसने तो कोई नई आइडिया तो दिया नहीं, उसने ऐसा क्या किया? हाईवे पर ऐसे रेडियम स्टिकर वाले बोर्ड तो लगे ही रहते हैं, उसे देखकर इसने आइडिया चुराया है। ये सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन कुंदन लाल के घर चोरी से जाकर उसके कपड़ों पर और उसके टोपी पर रेडियम स्टिकर्स चिपकाया। उस रात को वो 9 से 12 फिल्म देखने के लिए घर से निकला। अंधेरे में वो चमकने लगा। उसने कैब को फोन करके जल्दी आने को कहा। थोड़ी देर बाद कैब आकर कुछ दूरी पर रुकी। उसकी रोशनी इस पर पड़ी तो वो चमकने लगा। कैब ड्राइवर उसे देखकर, बाप रे, लगता है ये कोई भूत है, अब मैं क्या करूं? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, अरे मुझे बचा लो बजरंगी। कुंदन लाल ने फोन किया, क्यों भाई ड्राइवर, कहाँ हो, इतनी देर लगा रहे हो, जल्दी आओ। सर मैं तो लोकेशन के पास ही हूँ, पर सड़क पर एक भूत दिख रहा है सर, इसलिए गाड़ी को रोक दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। क्या भूत, अरे तुमने पी रखा है क्या, तुम क्या बोल रहे हो, सामने तुम ही खड़े हो क्या, तो वो तुम्हारा ही कैब है क्या, जरा हॉर्न बजाना। ने हॉर्न बजाया तो ठीक है रुको मैं आता हूँ, कहकर कैब की ओर बढ़ने लगा। बाप रे, अरे भूत ने कैब बुक किया था क्या, अब भूत भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे हैं, बाप रे अब भूत मेरी ओर बढ़ रहा है, कहकर डरते हुए कैब को तेजी से आगे बढ़ाया। यूं कैब जाकर उससे टकराया तो
तो कुंदनलाल उछल कर दूर जा गिरा। कैब वहां से तेजी से चली गई। उसका कमर टूट गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया। बाद में उसे असली बात का पता चला और वो अपना बर्ताव को बदल कर विवेक और गांव वालों को प्रणाम किया। कैमल हाउस रेड। एक शहर में हॉट स्वेटर सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स कंपनी नाम का एक कंपनी था। एक बार वहां का सेल्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग को संबोधित करते हुए सेल्स डायरेक्टर, डियर एम्प्लॉइज, इस साल के सेल्स में टॉपर आए अनुपम गुलाटी को सेल्समैन ऑफ द ईयर का इनाम देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अनुपम गुलाटी, कहते ही सब ने ताली बजाई। बाद में मिश्रा नाम का एक व्यक्ति सेल्स डायरेक्टर से मिला। सर, उससे ज्यादा स्वेटर मैंने बेचा है, पर चूंकि वो आपका रिश्तेदार है और आप ही के गांव का है, आपने उसे इनाम दिया। मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं तुरंत जाकर सीईओ से शिकायत करूंगा। अरे तुम जल्दी तैश में आ जाते हो यार, जरा शांत हो जाओ और कोई मूर्खता ना कर बैठना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रमोशन देकर रायगढ़ भेजता हूँ। वहाँ तुम सेल्स बढ़ाकर दिखाओगे तो अगले साल अवार्ड तुम्हें ही देंगे। ये बात सुनकर मिश्रा बहुत खुश हुआ। आप वाकई बहुत अच्छे हैं सर, आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं। यूं वो ट्रेन आकर रायगढ़ स्टेशन पर रुकी। मिश्रा ट्रेन से उतरा और गांव में आया। वहां देखा तो बस मरुस्थल ही मरुस्थल था। जहां देखो रेत के टीले थे, एक भी घर नहीं था। तब वहां एक आदमी, सर मेरा नाम चैटर्जी है, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? सर आपको किससे मिलना है? आई एम सीनियर सेल्स मैनेजर एट हॉट स्वेटर लिमिटेड। अरे तुम अंग्रेजी नहीं जानते ना, मैं स्वेटर बेचने आया हूँ। कर हंसने लगा। ए यू इडियट की तरह क्यों हंस रहे हो, पागल हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ सर, आप हैं। नहीं तो क्या, इस रेगिस्तान में इतनी गर्मी में कोई स्वेटर पहनेगा क्या? तब मिश्रा को सेल्स डायरेक्टर की चाल समझ में आई। कमीने, ठहरो मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। सर आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं, एक है कमीना, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। पर कोई बात नहीं, यहाँ सर्दियों में तो ठंड रहती होगी ना? सर अमेरिका जितनी ठंड रहती है, यहाँ गर्मी सर्दी सब हद से ज्यादा ही है। अरे यहाँ सब हद से ज्यादा है, ये बात तुम्हें देखकर ही पता चल गया। कोई अच्छा घर हो तो बताओ, किराए पर लेना है। यहाँ किराए पर तो टेंट मिलेंगे सर, यहाँ पक्का घर नहीं है, शौच कुएं में ही करना पड़ता है और नहाने के लिए कुएं के पास ही जाना होगा। धत ये कैसा गांव है, मैं टेंट में नहीं रह सकता, मुझे पक्का घर चाहिए। पक्का मकान चाहिए तो आपको 100 किलोमीटर दूर है, क्या आप हर रोज उतनी दूर जा आएंगे? तब मैं पक्का घर आपके लिए यहाँ बना कर दूंगा। उसे बनाने के लिए 10,000 रूपए लगेंगे, घर का किराया महीने के 10,000 रूपए। मिश्रा मान गया, उसने पैसे दिए। अगले दिन चैटर्जी एक ऊंट की गाड़ी पर एक घर को लेकर आया। मिश्रा उस घर को हैरान होकर देखने लगा। उस घर को एक जगह उतारा, मिश्रा उस घर में रहने लगा। एक दिन कुएं से पानी भरने वाले लोगों को देखकर, अरे कैसे लोग हैं आप, शौच और गुसल खाने के बिना आप कैसे रहते हैं? छी छी छी, उस कुएं का पानी पीने से तो जानते हो कितनी बीमारियां होंगी आपको। देखो आप भी मेरी तरह मिनरल वाटर का बॉटल रखा करो, समझे? गो यू चीप विलेजर्स। अगले दिन बड़ी जोर से आंधी आई, हवा में सारे टेंट उखड़ कर यहाँ वहां जाकर गिरे। मिश्रा का घर रेतों से भरा एक टीला बन गया। ये देख परेशान हो रहे मिश्रा के पास चैटर्जी आया। सर घर तबाह हो गया, अब उसे बाहर निकालना मुश्किल है। ये देखिए, यही इस घर के मालिक हैं, उन्हें 10 लाख रुपए नुकसान की भरपाई करना होगा। क्यों रे, जब से आए हो तुम्हारी नौटंकी देखते आ रहे हैं हम लोग, तुम समझते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है? अरे हम चाहें तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम खरीद सकते हैं। तुम समझते हो कि पैसे ना होने के कारण हमने घर नहीं बनवाया है? यहाँ अमीर और गरीब सब आंधी से डर कर टेंट में ही रहते हैं। ये जाने बिना ही तुम जैसे बहुत सारे लोग आकर बर्बाद होकर चले गए हैं। वो देखो उन रेत के ढेरों के नीचे ऐसे बहुत सारे घर दबे हुए हैं।
ये सुनकर मिश्रा गश खाकर गिर गया।